तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उत्तराखंड की है पहाड़ की एक बकरी। देखो इसके बाल, देखो आपको कैसे दिख रहे हैं, देखो ये देखो वो कितनी बढ़िया, देखो बकरी है, इसके बाल देख सकते हैं आप। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ढंग से दिखा देता हूँ, ये देखो इसके, ये देखो बाल, देखो ऊन ऊन इत्यादि के लिए सबके लिए यूज़ हो सकती है ये। मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि ये बकरी आई कहाँ से है, इनने ली कहाँ से है, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। हाँ तो भैया इसकी लंबाई कितनी बढ़ती है ऊँचाई, मतलब जब वो देखने में तो 5-6 फीट लगता है जब वो। अच्छा मेरे बराबर, मतलब मैं 5 फुट का ही हूँ। अच्छा इतनी ऊंची होती है ये जब पेड़ों पे पत्ता खाने के लिए। अच्छा अच्छा तो देख लो, मैंने भैया से पूछा हुआ है कि इसकी लंबाई कितनी बढ़ जाती है। देखो फिर भी इसकी ऊंचाई, बाल देख सकते हैं आप इसके लिए, शायद ऊन के लिए भी प्रयोग होते होंगे इसके बाल। इसके बाल का क्या प्रयोग? वो नहीं बनाते वो लोग, कोट टाइप। अच्छा कोट बनता है, देखो देखो देखो, जो हम जैकेटें खरीदते हैं ना उसमें हमें दिखते नहीं, अंदर से व्हाइट फर भी लगे होते हैं शायद। इनके बारे में ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता है, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन जो भी होगा ये बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। ये देखो इन्होंने भैया ऑर्गेनिक खेती भी की हुई है, इधर दिख रहा होगा आपने, यहाँ पे इन्होंने मटर बोर किया है, सरसों और नहीं नहीं खेत नहीं जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो सिक्योरिटी के लिए इन्होंने देखो क्या रखे हुए हैं, ये डॉग है उधर, देखो कितने डॉग रखे हुए हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, दिख रहे होंगे दो डॉग ये रहे, एक इधर है और दो तीन उस तरफ बांधे हुए हैं। मैं वहाँ को तो नहीं जा पाऊँगा है ना। बकरी देखो, बकरी देख लो, मैं जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ की तो मैं अगर बकरी दिखाऊंगा तो उसके बाल इतने लंबे नहीं होते हैं, लेकिन इसके जो बाल हैं भाई बहुत ही लंबे दिख रहे हैं। ये देखो एक सिंग इसके टूट चुके हैं लड़ाई में, जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे मटर बोई हुई है और भी इनने कई सारी सब्जियाँ बोर की हैं। तो ये जो क्षेत्र देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने पहाड़ दिख रहे हैं। तो एक चीज़ मैं ढंग से दिखा देता हूँ आप लोगों को, अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे बाघ वाघ भी इत्यादि आते रहते हैं, तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। हाँ क्या भैया इसमें वाक्य यहाँ बाघ आते हैं? आते हैं बाघ आते हैं, आपने देखे कभी? सामने भालू, भालू आ जाते हैं, भालू और कौन कौन से जानवर आ जाते हैं यहाँ पे? सुअर भी आता है। अच्छा जी, तो आप यहाँ पे चौकीदारी करते हो रात को? रात को चौकीदारी, लाइट जलाते। अच्छा लाइट जलाते हो, तो भगाते कैसे हो आप उन्हें? हल्ला करना पड़ता है। अच्छा हल्ला करके भाग जाते हैं, और बाकी आपने डॉग रखे हुए हैं, ये कुछ करते हैं? रात को तो ये आदमी को भी अंदर फाड़ सकते हैं, मतलब आराम से गेट से अंदर। अच्छा गेट से अंदर आदमी भी नहीं आ सकता रात को? अच्छा, मेरे साथ जो है पूरा सहयोग करते हैं मतलब। अच्छा फिर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। देखो भाई वाक्य में जिस जगह में मैं अभी आया हुआ हूँ, तो वाक्य में जहाँ मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, देखो इधर जो ऊपर जो मकान दिख रहे हैं, मैं वहाँ पे मेरा स्टे रहा है, और कहते हैं कि रात के 10 बजे के बाद हमें भी बाहर जाना अलाउड नहीं रहता, कारण वही है बाघ का या फिर और जानवरों का। तो जगह थोड़ी सी खतरनाक भी है, लेकिन अब अपनी है तो फिर अपने अच्छी लगती है। हम आते रहते हैं यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ उधर, देखो वो हम यहाँ पे सब्ज़ी लेने आए हैं, तो वो हमारे लिए सब्ज़ी तोड़ रहे हैं, जिसको मैं तुम्हें दिख रहा होगा आपको वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बाकी डॉग से रिलेटेड वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा, लेकिन मैं आया था यहाँ पर तो मैंने सोचा एक ब्लॉग आपके लिए बना दूँ।